Hey guys, we are back and look at this. तो मैंने अपनी वर्क स्पेस को थोड़ा इम्प्रूव किया है एंड फर्स्ट टाइम मैंने अपने रूम में अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स को फ्रेम करके लगाया है एंड इट फील्स सो गुड। अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो तो आप ये फीलिंग को अच्छे से समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा स्पेशल फील होता है। और जब मैं अपने रूम की थोड़ी सफाई कर रहा था तो मुझे मिली टन टन कॉमिक बुक्स, और ये कॉमिक बुक्स मैंने खुद बनाई थी अपने बचपन में। तब मैं शायद 7th या फिर 8th क्लास में था और मेरा एक कज़न है, उसका नाम भी अमन है, वो मुझसे 2-3 साल बड़ा है और हम दोनों सुपर हीरोज़ और कॉमिक बुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहते थे। बट हम विलेज में रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कॉमिक बुक्स नहीं मिल पाती थी। मेरा कज़न कभी कभी शहर से ले आता था तो हम एक ही कॉमिक बुक को पता नहीं कितनी कितनी बार रीड कर लेते थे। और हम दोनों की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एज़ यू नो, मैं अभी काफ़ी टाइम से एज़ अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ और मेरा कज़न वो एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है अब। तो हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे खुद की कॉमिक बुक्स। मेरी बनाई हुई कॉमिक बुक्स को वो रीड कर लिया करेगा और उसकी बनाई हुई कॉमिक बुक्स को मैं रीड कर लिया करूँगा। और बचपन का वो इनोसेंस, तब ये मतलब सोचते ही नहीं थे कि कोई क्या कहेगा, हम पे हंसेगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता था दिमाग में। तो हमने कर दिया स्टार्ट, खुद ही स्टोरी बनाते थे, खुद ही ड्राइंग बनाते थे एंड खुद ही डायलॉग्स लिखते थे। एंड डायलॉग्स, बाप रे, अगर मैं आपको अभी सुनाऊंगा तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो आपका ज़्यादा दिमाग ना खाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बनाए हुए कुछ मास्टरपीसेस। फर्स्ट कॉमिक बुक है काल का काल, और ये वाली कॉमिक बुक मेरे कज़न को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसमें मैंने दो सुपर हीरो उसको बनाया था और एक है ये विलेन जिसका नाम है काल, और ये छोटे छोटे बच्चों को उठाता है। सबसे पहले होती है विलेन की एंट्री और ये बच्चों को उठा लेता है, और ये मैंने बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे स्टिक फिगर से ड्रॉ कर रखे हैं। फिर होती है फर्स्ट सुपर हीरो की एंट्री और उसके बाद दूसरे सुपर हीरो की एंट्री, उसके बाद फाइट फाइट फाइट, मोर फाइट, बीच में ऐड भी आ जाती है, उसके बाद और ज़्यादा फाइट होती है एंड हमेशा की तरह लास्ट में सुपर हीरोज जीत जाते हैं। सेकंड है ये बेनाम कॉमिक बुक, इसका फर्स्ट पेज पता नहीं कहाँ पे गुम हो गया, और इसमें है ये खतरनाक मकड़ा और बस स्टार्टिंग से ही फाइट सीन्स शुरू हो जाते हैं। इसमें तो मैंने एक महागुरु भी बना रखा है, और फिर फाइट होती है, बीच में फिर से ऐड आ जाती है, हीरोज महागुरु के साथ मिलके कोई प्लान बनाते हैं और इसके आगे कलर नहीं किए। और ये यहाँ पे पता नहीं इस लकड़ी से इस मकड़े को क्यों मार रहा है, इसके पास इसकी खुद की सुपर पावर्स होंगी, उनको पता नहीं क्यों नहीं यूज़ कर रहा। और फिर से फाइट 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 एंड द एंड। और थर्ड है मास्टर प्लान, सबसे पहले गुंडों का अड्डा, पुलिस वाले कोई प्लान बनाते हैं, और इस करेक्टर को मैंने शाहरुख खान के डॉन करेक्टर के जैसा बनाने की कोशिश की थी, एज यू कैन सी हियर। ओके, और यहाँ मैंने एक एपिक सीन को इमेजिन किया था। देन फिर से फाइट होती है, गोलियां, कार क्रैशेस, और ये ड्राइंग मैंने किसी रेसिंग गेम को देख के बनाया था, शायद रोड रश या फिर रोड फाइटर ऐसा कुछ नाम था। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर से फाइट होती है, फिर से ऐड आती है, और ये मैंने जॉन अब्राहम की किसी फ़ोटो को देख के बनाया था एंड ये शायद टॉम रेडर की लारा क्रॉफ्ट को देख के बनाई थी। और फिर ये वही लेजेंडरी सीन आता है जिसको मैंने इमेजिन किया था। मेरी कॉमिक बुक्स में मास्क भी होते थे, वाह।
देन फिर से फाइट, और ये बुलेट डॉज मतलब पूरी मैट्रिक्स मूवी की फील आती है यार। एंड इसमें भी आगे कलर नहीं किए। नेक्स्ट है धूम 3 या फिर डॉन 2, मतलब दोनों को मिक्स कर रखा है। स्टार्टिंग में ही डॉन की एंट्री होती है, वो किसी गुंडे के साथ डील करने जाता है और उससे सिगरेट का एक बॉक्स लेता है और उसमें से सिगरेट निकाल के एक छोटा सा बॉम्ब उसमें डाल के उसको वापस दे देता है। और जब गुंडा डॉन को मारने लगता है तो डॉन रिमोट से बॉम्ब को वहीं पे फोड़ देता है। गुंडा मर जाता है पर डॉन को कुछ नहीं होता। फिर डॉन आगे कोई चोरी करता है, मतलब धूम भी तो चल रही है ना। और ये तो कोई WWE का मूवी लगा दिया। ये प्रियंका चोपड़ा बनाई थी, ये अभिषेक बच्चन, और ये उदय चोपड़ा। और ये पता नहीं यार इतना ब्रूटली क्यों बना दिया मैंने, लड़की को ऐसे बाइक से नहीं गिराना चाहिए था ना, इसके लिए सॉरी। इसमें धूम का थीम सॉन्ग भी प्ले होता है, वाह। और डॉन के लिए अलग से डॉन का थीम सॉन्ग, ये भी मैंने लारा क्रॉफ्ट को देख के बनाया था शायद। और गोलियों की आवाज़ के लिए ठा ठा ऐसे लिख भी रखा है यहाँ पे। उसके बाद फाइट, कार क्रैशेस, और इसने एक गोली से इतनी मोटी चेन को तोड़ भी दिया, मतलब लॉजिक तो कोई है ही नहीं। और हमेशा की तरह एंड में डॉन धोखा दे के भाग जाता है। ओह माय गॉड। और नेक्स्ट है ब्लैक बूम, ये किसी हॉस्पिटल में स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में ही बम धमाके, हेलीकॉप्टर और पट से हेडशॉट भी। नाइस। ये शायद मैंने क्रिश के किसी पोस्टर को देख के बनाया था। और फिर उसके बाद सुपर हीरो के और कारनामे, और ये शायद मैंने आगे कंप्लीट नहीं की। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आई होप आप सबने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो मतलब ड्राइंग के अलावा, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग, कीप लर्निंग।